नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राधिका। हमारे देश की महिलाएं आज हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही हैं और अपनी ताकत का एहसास करवा रही हैं। यकीनन महिलाएं आज किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। उन्होंने हर एक पायदान में पहुंचकर नए कीर्तिमान गढ़े हैं। आपको आज ऐसी ही एक महिला की कामयाबी की दास्तान बताने जा रहे हैं। यह है जम्मू कश्मीर की ताहिरा रहमान। ताहिरा को भारतीय वायु सेना की एई शाखा में शॉर्ट सर्विस कमीशन की ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। ताहिरा का सिलेक्शन इसलिए खास है क्योंकि वो जहां से आती हैं वो बेहद दूर दराज का इलाका है, पिछड़ा इलाका है। वहां कम सुविधाओं के बावजूद ताहिरा ने कामयाबी पाई है। ताहिरा रहमान के सिलेक्शन पर उनके माता पिता को उन पर बेहद नाज है। उन्होंने बेटी के सिलेक्शन पर अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा, हम बहुत खुश हैं और कामना करते हैं कि हमारी बेटी की ही तरह इस जिले के बाकी बच्चे भी अपने माता पिता का नाम रोशन करें। सबसे लास्ट गांव है ये रजौरी, डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, पर मैं बहुत खुशी और बहुत महसूस करती हूँ कि मेरी बेटी यहाँ से पढ़ के वहाँ तक पहुँच गई। फख्र है, सब लोगों को फख्र है, मेरे को नहीं है, मतलब पूरे गांव को, पूरी तहसील को, पूरे डिस्ट्रिक्ट में बोलते हैं कि आपकी बेटी ठीक पढ़ी है और अभी पायलट बनी है। उसका सबसे ये ख्वाब था कि मैं पायलट बनूंगी। अपने साथ छोटा सा एक वो रखती थी एरोप्लेन, बोलते थे एक दिन मैं उड़ाऊंगी इसको। बेटी का यही शौक था और इसी के बारे में मेरे से भी बच्ची जो है अक्सर पूछती रहती थी और मेरी जो अपनी फौज की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको बड़े इंटरेस्ट से लेती थी और बच्ची का यही इरादा था शुरू से ही। और उसके लिए बच्ची ने जो तैयारी किया और दिलो जान से तैयारी किया और वो जो है चीज़ जब पक्के इरादे से और पूरी तैयारी से जब बच्ची ने उसके लिए मेहनत किया तो उसमें वो बच्ची सफल हो गई और ये शुरू से ही बच्चे का जो है सपना था जो आज पूरा हो गया है। राजौरी जिले से 145 किलोमीटर दूर खवास तहसील के ग्राम खोड़बनी निवासी ताहिरा रहमान पूर्व मानद कप्तान अब्दुल रहमान की बेटी हैं। वो भारतीय वायु सेना में फ्लाइंग ऑफिसर के लिए चुनी गई हैं और ऐसा करने वाली वो जम्मू कश्मीर की पहली गुर्जर लड़की हैं। वो लंबेरी गांव की फ्लाइंग ऑफिसर माया सुडान के बाद राजौरी जिले की दूसरी लड़की है। इस तरह से घाटी की महिलाओं का मनोबल बढ़ा रही हैं ताहिरा रहमान। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।